आत्मा घबरा गई, देवकी कंस को निहार के रोने लगी, भैया काए को भी आई दई विदेश को भैया लगा। देवकी रोआ नहीं, ये पुरानी परंपरा है, कितना भी धनवान भाई हो या कितना बलवान हो, बहन को घर पे नहीं रख पाया। देवकी सास ससुर की सेवा करियो, ससुर की सेवा करियो, प्रेम से पिया के चित्त को हरियो, प्रेम से हरियो, तेरे भैया के दे उपदेश ओ भैया, काए पठे रहो विदेश ओ भैया, काए पठे रहो विदेश ओ भैया, काए को आए दई विदेश ओ भैया। कंस कहने लगा देवकी, आज समझ में आ गया कि बहन देवी होती है देवी। देखा होगा जब बेटी का विवाह होता है, जिस दिन बारात आती है उस दिन ऐसा लगता है कि घर स्वर्ग में पहुंच गया नेताजी, या स्वर्ग उस आंगन में आ गया हो। और बेटी की विदाई के बाद सारे घर में रिश्तेदार रहते हैं, सब लोग रहते हैं, मगर ऐसा लगता है कि सारे घर की शोभा विदा हो गई बेटी के साथ। कंस रोने लगा, बोला देवकी पिता देव की तेरी हो, जब भाई भैया घर में जावे वो, और तेरे बिन हो बहन हमारी घर पर घट बन जावे वो। सुंदर कंस कहने लगा देवकी रोना है, बटेश्वर जा रही हो, रोना नहीं, 1100 दासी जा रही सेवा में, सास की सेवा करो, पिता ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, इतनी सेवा करो किसी में कमी न रह जाए, डोकरी की सेवा वो करो, समय पे रोटी खवाओ, और रोटी न खाए तो आंखें दिखाओ, और तुमसे कोई कहे तो हमारे लिए खबर कर देना मथुरा में, बटेश्वर से जिंदा उठा लाऊंगा, मथुरा में दबा दूंगा। क्या ये बात कंस नहीं कही थी अकेली? आज की नहीं कहती है माताएं, आज की मम्मियां तो इतना जुलम ढाती हैं, बेटी को समझाने की जगह पे समझाएगी नहीं। एक तुम फोन कर देना हमसे, बस एक फोन। अभी एक शादी हुई थी राया में, रवि हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब जी के यहाँ हम कथा करने गई, तो बेटा की शादी उन्होंने की भरतपुर से, भरतपुर से विवाह हुआ। और